Good morning everyone and welcome to my channel and happy holidays guys. और इस वीडियो में मैं आप लोगों को फाइटर फिश के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, फाइटर फिश। बट अब फिश के बारे में बता ही रहा हूं तो पब्लिक का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। सो देख सकते हो वीडियो में, मेल का फिन्स मोटा होता है और फीमेल्स का पतला फिन्स होता है। सेकेंड डिफरेंस ये होता है कि मेल का बियर्ड विजिबल होता है और फीमेल की विजिबल नहीं होते हैं। एंड सेकेंड फैक्ट है इनका कि जो इनकी टेल इसलिए बिकॉज इसकी वजह से फाइटर ब्यूटीफुल लगती है। कुछ डिफरेंट टेल्स मैंने दिखाया है जैसे कि फुल मून, हाफ मून फाइटर, स्पेड टेल फाइटर, क्राउन टेल फाइटर एंड दी डबल टेल फाइटर। ये जो फिश होती है उनके पास यूनिक कैपेबिलिटी होती है, जैसे मींस ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और पानी के बाहर भी। पानी के अंदर अपना गिल्स यूज करके सांस ले सकते हैं और पानी के बाहर ह्यूमंस के जैसा ऑक्सीजन डायरेक्ट ले सकते हैं। मेन फैक्ट फॉर द बिगिनर्स, पानी का जो पीएच लेवल है वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मींस लगभग 6-7 तक रहेगा तो चलेगा। और ठंडे पानी में इसे रखे तो ना इसका इम्यून पावर बहुत वीक हो सकता है, सो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वार्म वाटर सुटेबल होगा। और ये टाइप की जो फिशेस होती हैं 2-3 साल तक जी सकते हैं, मींस लाइफ स्पैन भी इनका अच्छा है फॉर बेटा लवर्स। बिगिनर्स के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली टैंक में लाइफ प्लांट्स या फिर प्लास्टिक का प्लांट्स रखें ताकि उसको सेफ फील हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि टैंक में अपने हीटर यूज करें बिकॉज इसका इम्यून पावर पानी जितना गर्म होगा उतना ही अच्छा होगा, अदरवाइज इम्यूनिटी इसकी बहुत वीक हो जाएगी। अब इसके खाने के बारे में बताऊं तो दे आर ओमिनिवरस, मींस ये प्लांट भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। और मीट में कैसा, ब्लड वॉर्म्स, पैलेट्स या फिर फ्रोजन श्रिम्स एक्सेट्रा, ये सब ये लोग खाते हैं, इसलिए इनको ओमिनिवरस कहा जाता है। अब ये फिश का नाम फाइटर क्यों है वो बताता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही डोमिनेंट टाइप के फिशेज हैं, मींस दो मेल फाइटर साथ में नहीं रह सकते। ये लोग अपने इलाके के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, बट एक मेल फाइटर को हम अलग स्पीशीज के साथ रख सकते हैं, मींस अलग स्पीशीज रहेगा तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगा, बट सेम स्पीशीज के रहेंगे तो एग्रेसिव रहेगा बिकॉज उनका नेचर ही वही है। बेटा फिश की 70 से भी ज्यादा जाति होती है, इसलिए उनको एक टर्म दे दिया गया है कि बेटा। एंड फीमेल्स की बात करूं तो फीमेल साइज में छोटी होती है एज कंपेयर टू मेल्स, बिकॉज ये टाइप की फिशेस हाइट ज्यादा होती है इनकी बट लेंथ बहुत ही कम होती है। एंड जब ये थोड़े एग्रेसिव रूप में आते हैं तो इनका जो फिन से पूरा फैल जाता है, तब वो टाइम पे ये लोग और ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड वैसे भी फीमेल्स ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, इसलिए ज्यादा करके एक्वेरियम लवर्स सब मेल ही प्रीफर करते हैं साथ में रहना। एंड ब्रीडिंग के लिए बता देता हूँ कि 2-3 फीमेल्स के ऊपर एक मेल ही चलेगा, बिकॉज मेल ज्यादा रहेगा तो डोमिनेंसी ज्यादा होगी तो सिर्फ फाइट ही होगा। ब्रीडिंग के टाइम मेल बबल नेस्ट फॉर्म करता है, मींस पानी के अपर सरफेस पे वो बुलबुलों का बहुत सारा गुच्छा बना देता है, और वो क्या करता है, फीमेल्स ने जो अंडे दिए होते हैं उसको मुंह में कलेक्ट करके वो बबल्स में लाके डाल देता है वो टाइम पे, ब्रीडिंग के टाइम पे। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फीमेल को मार के भगा देता है और पूरे बच्चों की देखभाल वो खुद से ही करता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये अपने ओनर्स को पहचानते हैं और मींस उनके फिंगर टिप पे भी नाचते हैं, और इतने दिमाग वाले हैं कि अगर आपने एक्वेरियम में फुटबॉल का सेटअप रखा है तो बॉल को डायरेक्ट गोल पोस्ट में ही डालेंगे, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, लव यू ऑल।